बता दें कि भारतीय बाजार में इन दिनों ऑटोमेटिक स्कूटर्स की डिमांड काफी ज्यादा अच्छी है और बढ़ गई है। इसे देखते हुए जापान की दो पहिया निर्माता कंपनी सुजुकी भारत के अंदर अपनी नई ऑटोमेटिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारियों में जुटी हुई है। कंपनी अपनी नए स्कूटर सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट नाम से लॉन्च करने वाली है और इस 120cc की स्कूटर को एफोर्डेबल प्राइस में ही पेश किया जा सकता है। कंपनी ने तो इसकी लीगल प्राइस की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इसे 66,000 रुपए की कीमत के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि कंपनी ने इस स्कूटर की बुकिंग भी शुरू कर दी है और आप इसे 5,000 रुपए की कीमत पर लॉन्च कर सकते हैं। वैसे अगर मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो कंपनी इसे जुलाई के बीच के हफ्ते में लॉन्च कर सकती है। और अगर इसके इंजन की बात करें तो कंपनी ने इसमें 124cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है, जो कि 10.2 Nm का टॉर्क और 8.5 bhp की पावर जनरेट करता है। आपको बता दें कंपनी ने इसके लुक्स और डिजाइन पर भी काफी ज्यादा काम किया है। इसकी खास बात यह है कि बर्गमैन में स्ट्रीट 125 में एक्स्ट्रा लॉक सीट दी गई है, जो इसके कंफर्ट जोन को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। वैसे इसके अलावा स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर LEDI लाइटिंग और अंडर सीट स्टोरेज पेश किया है। बर्गमैन स्ट्रीट को 5.6 लीटर फ्यूल टैंक दिया गया है। स्कूटर को अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया गया है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है और मीडिया रिपोर्टर्स का कहना है कि सुजुकी भारत की पहली मैक्सी स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में भी लगा हुआ है। इतने सारे फीचर्स और नई क्वालिटी के साथ जब सुजुकी अपनी नई स्कूटर को लॉन्च करेगी, जिसको धाकड़ भी बोला जा रहा है, जी हाँ धाकड़ स्कूटर बोला जा रहा है इसको, काफी ज्यादा इसका इंजन भी बहुत ही हैवी है और इसके इंजन हैवी होने की वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। अब देखना होगा कितनी जल्दी स्कूटर भारत में लॉन्च हो जाती है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।